जैक्सान सभी साथियों को, साथियों आज 16 सितंबर है। सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगा साथियों, खेत में काफ़ी काम होने की वजह से और दीपावली का जो त्यौहार था उसकी वजह से बीच में काफ़ी दिन बिजी रहे साथियों और आपके साथ रूबरू नहीं हो पाए। बहुत सारे साथियों के फ़ोन मैसेज आते रहे, बहुत सारे साथियों ने मैसेज करके पूछा कि क्या बात है, फसल भाव जो है उसकी वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो साथियों काफ़ी काम है, आपको भी पता है इस बार कॉटन का जो सीजन है वो काफ़ी ख़राब गया है और आगे जो गेहूं है उसको संभालने की कोशिश अभी भी जारी है, जद्दोजहद जो है जारी है साथियों। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो माफ़ी साथियों, हो सकता है कि बीच में भी एक दो दिन जो है डिस्टर्बेंस ऐसी बनी रहे साथियों। चर्चा करेंगे साथियों आज फसल भाव के ऊपर, सरसों गवार और कॉटन के ऊपर, और थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे चने के ऊपर और मूंग के ऊपर। तो सबसे पहली चर्चा साथियों सरसों के ऊपर करेंगे। उससे पहले आप सबको, हालांकि मैं लेट हो गया, दीपावली का त्यौहार, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका बहुत अच्छा गया होगा और आप सबने बहुत ही जो है खुशी से जो है दीपावली मनाई होगी। साथियों बात करें साथियों सरसों की, तो सरसों के अंदर तेजी बनी है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन ये की तेजी जो है ये स्टेबल नहीं लग रही है, क्योंकि अब जो बहुत बड़ी जो खपत वाला सिस्टम था वो सरसों का साथियों चला गया है और बीजान भी जो है लगभग सरसों का अब खत्म हो चुका है। थोड़े बहुत इलाके के अंदर कोई बीजान जो है अब साथियों सरसों का होगा। हालांकि तेजी बनी है, उसका कारण ये कि जो वैश्विक जो खाद्य तेल है विश्व के अंदर, उनके अंदर एक तेजी बनी है और बड़ी तेजी बनी है, लगभग 19% की जो है तेजी बनी है और उस तेजी के कारण जो है एक सुधार बनता हुआ नजर आ रहा है सरसों के अंदर और सोयाबीन के अंदर, पाम तेल के अंदर और जितने भी खाद्य तेल हैं सबके अंदर एक तेजी जो है बनती हुई नजर आ रही है साथियों। तो उसका जो कारण है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारतीय बाजार भी जो है तेज हुए साथियों। हालांकि जारा मंडियों के भाव मेरे को आज नहीं मिल पाए हैं। भरतपुर 5620 रुपए, जो बड़े प्लांट हैं जयपुर 5975, सलोनी 6450 रुपए, जो आम मंडियां हैं वो लगभग 5000 से लेकर 5700 रुपए तक साथियों रही है। बड़ी तेजी सरसों में यहां से नहीं बनेगी, जो तेजी अब चल रही है अगर स्टेबल रह जाए तो बहुत गलीमत है, बड़ी तेजी की यहां से उम्मीद जो है हम नहीं कर सकते साथियों। बात करें साथियों ग्वार की, काफी डाउन चला गया था ग्वार बीच में, मेरी नजर जरूर रहती है फोन के ऊपर, मैं कोशिश करता रहता हूं कि स्टडी करता रहूं पूरा दिन साथियों। बीच में काफी डाउन चला गया था लेकिन पिछले दो दिनों में और खास करके आज अच्छा सुधार ग्वार के अंदर बना है, लगभग 100 रुपए गम के अंदर, ग्वार गम के अंदर 100 रुपए जो है ग्वार सीड के अंदर साथियों सुधार बना है। तो एक मजबूत हो रहा है फंडामेंटल ग्वार का, और ग्वार ऐसी कम्युनिटी है जो 6000 के टच करने के बाद फिर वापिस आ रहा है, फिर 6000 से टच करने के बाद फिर वापिस आ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार ग्वार जो है एक बार फिर से 6000 को टच करेगा। हालांकि अभी की भाव की बात करें तो लगभग 5000 रुपए से लेके 5550 रुपए तक के भाव जो है आज कल आम जो मंडियां हैं, जो हमारी हाजिर की मंडियां हैं वहां पर साथियों है, लेकिन उम्मीद है कि ग्वार के अंदर थोड़ा बहुत जो है और सुधार बन सकता है, क्योंकि ग्वार है नहीं और जो ग्वार है उसकी क्वालिटी नहीं है। तो हालांकि बहुत बड़ी डिमांड जो है विदेशों से कोई निकल के सामने नहीं आ रही है कोई ग्वार गम की, लेकिन फिर भी अगर जो क्वालिटी के हिसाब से और इस क्वांटिटी के हिसाब से बात करें तो ग्वार में थोड़ा बहुत जो है साथियों सुधार बनना चाहिए। बात करेंगे साथियों कॉटन की, कॉटन के भाव लगातार बीच में काफी नीचे चले गए, लेकिन अभी दो दिन से थोड़ा सा एक बल मिला है कॉटन को, थोड़ा सा सुधार जो है कॉटन के अंदर साथियों बनता हुआ नजर आ रहा है और कॉटन के जो भाव हैं वो भी 7000 से ऊपर काफी मंडियों में साथियों पहुंचे हैं। लेकिन कहानी वही है कि एक पूल सिस्टम लग रहा है बाजारों के अंदर, कॉटन कोई की फसल हालांकि क्वालिटी डाउन है इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझकर उसको और बदनाम करके कॉटन को उसके भाव को कम करके लिए जा रहा है व्यापारियों के द्वारा। अभी तो आपको पता है साथियों जो इलेक्शन है उसका बुखार चढ़ा हुआ है सभी को, किसी का इस ओर ध्यान नहीं है, तो थोड़े दिन लगेंगे जैसे इस बुखार से बाहर आएंगे 25 तारीख के बाद, तो फिर अपने खेत और ये सारा सिस्टम याद आ जाएगा, तो फिर जो है उसकी आवाज साथियों मेरे ख्याल से उठेगी और डिमांड भी उठेगी। बात करें कॉटन के भाव की, तो सुधार साथियों और कॉटन की क्वांटिटी देखते हुए, कॉटन का जो टोटल उत्पादन है, जो कंप्लीट यील्ड है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि कॉटन के भाव के अंदर थोड़ा बहुत सुधार जो है बनना चाहिए। सिरसा के अंदर 7320 रुपए, संगरिया 7202 रुपए, रायसनगर 7070 रुपए, पदमपुर 7102 रुपए, विजयनगर 6930, सूरतगढ़ 7001 रुपए, रावड़ा
7,120 रुपये, अबोर 7,170, गंगानगर 7,109 रुपये, एल फतेहबाद 7,273 रुपये। साथियों आज जो है कॉटन बिका और नागौर के अंदर 7,319 रुपये, ये ऊपर के भाव हैं। वैसे कॉटन में 6,500 से लेके लगभग मंडियों के अंदर 6,500 से लेके और 7,000 रुपये साथियों जो है भाव रहे हैं। मूंग की बात करेंगे तो मूंग भी स्टेबल है, कोई बहुत बड़ी तेजी इन दिनों जो पिछले 10 दिन जिसमें मैं नहीं आ पाया आपके सामने, तो मूंग भी लगभग स्टेबल है उन दिनों में। और बात मोट की करेंगे साथियों तो मोट भी जो है लगभग आप स्टेबल बनी, चना थोड़ा सा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी जो है चने के अंदर भी साथियों नहीं है। तो मिलेंगे साथियों, थोड़ा सा काम का टाइम है, खेत में काफी ज्यादा काम है, उस वजह से थोड़े बिजी हैं, फिर भी कोशिश करेंगे जल्दी मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए किसान एकता चेतावनी।